डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम फटाके फोड़ने। रुको जायरा, हम भी आ रहे हैं। अरे जेजी, तुम लोग इतने बड़े और इतने सारे पटाखे फोड़ोगे, कहीं तुम्हें या किसी को चोट ना लग जाए। अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा, यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो जेजी, मेरा पटाखा फोड़ने का स्टाइल, देखा मेरा स्टाइल? यह तो पुराना स्टाइल है रियो, तुम अब मेरा स्टाइल देखो। अरे नहीं, आ जेजी, पटाखे कोई खेलने की चीज है जो तुम लोग उससे खेल रहे थे? वो तो शुक्र है कि रॉकेट रियो की आग के अंदर नहीं लगा, वरना रियो की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती। और देखो तुम्हारा हाथ कितना जल गया है, अब तुम अपना होमवर्क भी सही से नहीं कर पाओगे। जायरा को क्या हुआ, क्या उसको भी चोट लगी है? नहीं जेजी, उसको चोट नहीं लगी है, पर वह पटाखों से निकलने वाले धुएं से बीमार पड़ गई है। तुम लोग पटाखे फोड़ने में भी तो हद ही कर देते हो। मैं आगे से अब बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ूंगा, और मैं अपने दोस्तों को भी पटाखे न फोड़ने की सलाह दूंगा। प्यारे दोस्तों, हैप्पी दिवाली, मेरी तरह मत मनाना। प्यारे बच्चों, दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसे साथ मिलजुल कर मनाएं और पटाखों से दूर रहें।